All right, everybody, a very good evening once again, and welcome to the next class. और तुमने ऑलरेडी देख लिया होगा, द टाइटल इज लॉरेंस फोर्स टुडे. इसमें टी साइलेंट है, सो दिस इज लॉरेंस फोर्स. नाउ लॉरेंस फोर्स को समझने के लिए तुम मान लो यहाँ पे कोई कुर्सी पड़ी है, ठीक है, या फिर कोई डब्बा है, 5 किलो का डब्बा. अब मैं तुमको थोड़ा सा वापस लेके जा रहा हूँ अपने 11th क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था वर्क, पावर, एनर्जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऑल दोस थिंग्स. हैं इस डब्बे पे मान लो तुमने फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी इन द राइट डायरेक्शन, एंड दैट फोर्स इज F1, विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन. तो तुमने 100 न्यूटन से इस डब्बे को राइट की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि तुमने इसको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया. तो ये डब्बा जा कहाँ जाएगा? राइट जाएगा डब्बा. और फिर कोई और बंदा था, उसने इसको ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, और जिस फोर्स के साथ उसने इसको ऊपर खींचना स्टार्ट कर दिया, दैट फोर्स वॉज F2, विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शन में जो उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, दैट वाज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हमारे पास दो अलग अलग एक्सेलरेशन आ गई हैं, तो हमें ए एक्स लिखना पड़ेगा इसको, और इसको हमें लिखना पड़ेगा ए वाई. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि नेट अल्टीमेटली ये डब्बा जाएगा कहां, क्योंकि अब इसको दो अलग अलग लोग खींच रहे हैं, तो तुम बोलोगे कि यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो डब्बा जाएगा कहाँ, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लेते हैं. तुम बोलोगे कि 100 न्यूटन इस तरफ है, 50 न्यूटन इस तरफ है, इसका जब हमने वेक्टर रिजल्टेंट निकाला तो ये फोर्स कुछ इस तरह से आ जाएगी इस डायरेक्शन में, और इसका जो भी रिजल्टेंट निकल के आएगा, लेट्स से 137 आ गया, ठीक है, मेरे को पता नहीं कितना आएगा, लेट्स से 137 न्यूटन आ गया इस डायरेक्शन में. तो तुम मेरे को बोलोगे कि यार ये डब्बा जाएगा इस डायरेक्शन. ये हमने डायरेक्शन कैसे निकाली? दिस डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस. दो वेक्टर्स जो थे हमारे, वी हैड टू वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो रिजल्टेंट था उस डायरेक्शन में हमारा डब्बा अल्टीमेटली जाएगा. दिस इज व्हाट वेक्टर्स चैप्टर इस. वेक्टर्स में हमको पता चला था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज है उनका रिजल्ट निकालना, उसका कुछ फॉर्मूला होता है, हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है ना, अंडर रूट ऑफ, लेट्स से पहला वेक्टर इज F1, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ F2 या 2 F1 F2 इनटू F2 cos theta cos थीटा, राइट. बेसिकली ये सारी हमने चीजें पढ़ रखी है. तुम सोच रहे होगे कि यार मैं सारी चीजें दोबारा से क्यों रिपीट कर रहा हूँ. वो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमने पिछले से पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक फोर्स विच वॉज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो फोर्स लगती थी किसी चार्ज्ड पार्टिकल पे. मान लो मेरे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है क्यू, और इस क्यू को हमने रख दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में. इस क्यू को हमने रख दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में विच इज इन द राइट डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू चार्ज वुड बी इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या क्यू चार्ज, चाहे ये मूव कर रहा है, चाहे ये रेस्ट पे है, ये कुछ भी है, ये इतनी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, एंड वी कॉल दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फिर हमारा चैप्टर खत्म हो गया, और उसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया. उस नए चैप्टर में हमारे पास क्या था? हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड था. उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मूविंग चार्ज जब एंटर कर गया, इस डायरेक्शन से जब एक मूविंग चार्ज एंटर कर गया, तो वो मूविंग चार्ज एंटर करते उस पर फोर्स लगनी स्टार्ट हुई ऊपर की डायरेक्शन में, फिर थोड़ी इधर, फिर थोड़ी इधर, फिर थोड़ी इधर, 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 और ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल था वो एक सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट कर दिया उसने. और ये जो फोर्स इस पे लगी,
दैट फोर्स वॉज द मैग्नेटिक फोर्स, उसको हमने क्या बोला, क्यू टाइम्स वी क्रॉस पी। इस तरह से हमने दो अलग अलग चैप्टर्स की पढ़ाई की। पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगती है दैट फोर्स इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। व्हाट इफ अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल हो और मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जो 11th क्लास में होता आया है। तो इस चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी दैट विल बी कॉल्ड एज एफ वन, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी दैट विल बी कॉल्ड एज एफ टू। और अगर दो फोर्सेस लग रही हैं तो एक्चुअली में ये चार्ज जाएगा कहां, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ एफ वन एंड एफ टू। Yes, and this resultant force, F1 क्या है? Electric force. F2 क्या है? Magnetic force. The resultant of electric force and magnetic force is called as Lorentz force. The resultant of electric force and magnetic force is called as the Lorentz force. तो आज की क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे कि अलग अलग तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके देखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कभी किसी को नीचे कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, पैरेलल कर दिया, जीरो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर हम देखेंगे वो जो चार्ज्ड पार्टिकल इन दोनों फोर्सेस के कॉम्बिनेशन में जब वो एंटर कर गया, देन व्हाट इज हैपनिंग विद दैट चार्ज। करेक्ट, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज लॉरेंट्ज फोर्स। प्लीज जो लोग नोट्स बनाते हो अपनी नोटबुक्स पेन्स सब कुछ निकाल लो। वी विल बी लर्निंग लॉट ऑफ केसेस टुडे इन दिस क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगती थी। सो इफ दिस इज magnetic field which is into the paper, so magnetic field which is into the paper, or is magnetic field mein ek q coulomb charge positive q is direction mein move karna start kar raha hai। तो ये q coulomb charge के ऊपर force लगेगी ऊपर वाली direction में। ये मैंने कैसे निकाला ऊपर, using Fleming's left hand rule, your four finger points in the direction of magnetic field, your middle finger points in the direction of the velocity of the positive charge and your thumb points upwards, that means is pe force lagegi upar aur ye jayega ek circular motion। theek hai, to agar ye aage bhi ja raha hai aur upar bhi ja raha hai to iska motion ho sakta hai thoda sa helical motion ban jaye is tarike se, और इस हेलिकल मोशन का हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस विल बी इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। और अगर हमें इसका टाइम पीरियड निकालना पड़ गया वो हम निकाल देंगे 2 पाई आर बाय वेलोसिटी। अगर हमें इसकी पिच निकालनी पड़ेगी तो हम निकाल देंगे वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ करके हम कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी है। ओके, तो हम यहां पे कुछ केसेस करेंगे। अब आज की क्लास में हम करेंगे लॉरेंट्स फोर्स। तो लॉरेंट्स फोर्स इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो हमको आज की क्लास में निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें अलग अलग केसेस देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम केस लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज केस नंबर वन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आपस में पैरेलल रखेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केस नंबर टू जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखें, ठीक है। तो पहले वाले केस को अगर मेरे को ड्रॉ करना है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा राइट डायरेक्शन, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो जाएगा राइट डायरेक्शन। और दूसरे वाले केस में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा हो जाएगा राइट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ले लेंगे इस तरीके से ऊपर। और इन दोनों में अब जो हम चार्ज लेके आएंगे, अब चार्ज आएगा ना इसमें से, चार्ज अलग अलग तरीके से आ सकता है। सो बेसिकली केस वन के अंदर एक फर्दर सब केस बनेगा ए पार्ट, वेर द चार्ज इज एट रेस्ट। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है सीधी सीधी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर चार्ज आके बैठ गया रेस्ट पे, सिर्फ बैठा है रेस्ट पे, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। फिर दूसरा वाला केस लेके आएंगे जिसमें चार्ज तो आया वी वेलोसिटी से, और वो इस तरीके से आया दैट द चार्ज इज पैरेलल टू बी, मतलब कि जिस डायरेक्शन में बी है, जिस डायरेक्शन में ई है, उसी डायरेक्शन में एक तुम्हारा आ गया चार्ज, ऐसे सीधा वी, ठीक है। दूसरा केस हो गया। एक तुम्हारा तीसरा केस होगा जिसमें ये जो हमारा चार्ज है इसको हम नीचे से लेके आएंगे ऐसे ऊपर, लाइक दिस, दैट मींस योर चार्ज इज कमिंग विद अ वेलोसिटी वी एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बी, ओके। And one last case would be, once again your charge would be coming at a velocity v, and this time your charge is coming like this. इस तरीके से तुम्हारा charge आएगा, where charge makes an angle of theta degree with electric field or magnetic field, makes an angle of theta with E or B. समझ में आए चार केसेस हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम करेंगे उसको तो छोड़ दो, हम क्या क्या करने वाले हैं वो समझ में आ गया। सो दोनों पैरेलल थे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अलग अलग तरीके से आएगा। सो द चार्ज कुड बी एट रेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरीके से आ सकता है, या फिर चार्ज पैरेलल ही आ सकता है, बी के पैरेलल आ गया चार्ज, या फिर चार्ज बी के परपेंडिकुलर भी आ सकता है, या फिर चार्ज किसी एंगल पे आ सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से चार्ज आ सकते हैं, हम इसका एनालिसिस करेंगे कि वो चार्ज के साथ क्या होगा, उस पर कितनी फोर्स लगेगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लॉरेंट्स फोर्स, दिस दैट ऑल दीज थिंग्स, हम सब कुछ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड वाला क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। अब इसमें हम चार्ज को इस तरीके से लेके आएंगे वेर द चार्ज इज a b that is in the x axis, electric field e is in the y axis, hum charge ko leke aayenge z axis mein, matlab ki charge aise ja raha hai andar into the paper ya fir bahar aa raha hai out of the paper, the charge will be in such a way that this velocity of the charge is perpendicular to the magnetic field, velocity of the charge is also perpendicular to the electric field, or इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में तो परपेंडिकुलर है ही, उसकी तो बात क्या ही करनी, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, सो प्लीज बी रेडी विद योर नोटबुक्स पेन्स, एंड नाउ विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केस, दैट इज व्हेन योर मैग्नेटिक फील्ड एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, और इस केस में हम चार्ज को अलग अलग तरीके से लेके आएंगे, एंड विल सी व्हाट्स गोइंग टू बी द पाथ ऑफ discharge. So case number one is, अब ये सारा केस नंबर वन चलेगा, ठीक है, मैं ऊपर लिख नहीं रहा। सो यहां पे मैं दो फील्ड्स बना रहा हूं, एक है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल डिस्कस सब पार्ट नंबर ए, वेयर दिस क्यू चार्ज इज एट रेस्ट। सो व्हेन योर क्यू चार्ज इज एट रेस्ट, मान लो तुम्हारा क्यू चार्ज बैठा है यहां पे,
अब हम केस नंबर वन के अंडर ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्यू चार्ज तुम्हारा रेस्ट पे है, दैट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो जब क्यू चार्ज रेस्ट पे है, अब एक चीज बताओ यार, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कोई एक्ट करेगी? सो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो तो मूविंग चार्जेस पे लगती है ना, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स तो कोई एक्ट करेगी नहीं, लेकिन इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी विच विल बी इन द राइट डायरेक्शन एंड द वैल्यू विल बी इक्वल टू क्यू ई। मतलब कि इस पे जो कॉन्स्टेंट एक फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी इन द राइट डायरेक्शन और उसकी वैल्यू होगी क्यू ई, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई, या तुम ये भी बोल सकते हो कि ये चार्ज क्यू ई बाय एम एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। सो ये चार्ज क्यू ई बाय एम एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा सामने। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखो, अब ये चार्ज मोशन में आ गया, अब ये चार्ज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, अब हो सकता है इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगनी स्टार्ट हो गई हो, चेक करें। तो ये चार्ज अब जा रहा है राइट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट की तरफ है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। नो नो नो, तो अब भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस दिस फोर्स इज स्टिल जीरो। मतलब द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज दिस क्यू ई, द ओनली एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज क्यू ई बाय एम। इस एक्सेलरेशन के साथ वो राइट में मूव करना स्टार्ट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी वाज इक्वल टू जीरो। तो अगर तुमको थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी चेक करनी है, दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, दिस इज क्यू ई बाय एम इंटू टी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज आफ्टर एनी टाइम टी, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। तो बेसिकली अगर मैं तुमको ग्राफ बनाने को बोलूं, बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज एंड टाइम, बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज एंड टाइम, दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज एट टी इज इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी इज जीरो, एट टी इज इक्वल टू सम टाइम टी velocity will be equal to QET by M, where QE by M is a constant. Okay, and the slope of this line is equal to QE by M. ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा। अगर यू हैव अ फंक्शन दैट वाई इज इक्वल टू के टी, सो जो ग्राफ बनेगा वाई और टी के बीच में, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व एंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन वुड बी इक्वल टू के। तो मतलब यहां पे तुम्हारी स्लोप आ जाएगी क्यू ई बाय एम, एंड द पाथ ऑफ दिस चार्ज विल बी अ स्ट्रेट line path. Okay, give me a thumbs up please. Right, this was case number one के अंदर, ये था A part,
ठीक है, तुम्हें बेसिकली लॉजिक समझना, ठीक है, तुम्हें मतलब इसको रट्टा नहीं मारना, कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले याद नहीं करने। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ए पार्ट में ही इतने सारे फॉर्मूले आ गए, स्लोप आ गया, स्लोप भी याद रखनी है, ये भी याद रखना है, एक्सेलरेशन ये वो, तो तुम सोचोगे कि यार इसी में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो ये चार पांच पार्ट्स कौन याद रखेगा। लेकिन तुमको याद नहीं रखना, तुम्हें होशियार रहना, बेसिकली तुमको बेसिकली ड्राइव करना आना चाहिए 2 मिनट में। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं जब यू नो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस क्लास टुडे, तो मैंने ये कुछ भी सॉल्व नहीं करके देखा, है ना, मेरे को दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे लगा मैं क्लास में ऑन द स्पॉट ड्राइव कर दूंगा, जो भी हमने अभी ड्राइव किया ये मैंने अभी अभी किया, ठीक है। अगर तुम मेरे को सीधा पूछ लेते कि बताओ एक्सेलरेशन कितनी आती है, तो मेरे को पता नहीं थी, लेकिन मैंने ड्राइव कर दी इसको। सिमिलरली विल ड्राइव द नेक्स्ट थिंग। सो केस नंबर वन, बी पार्ट, केस तो सेम ही है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, और अब ये हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या था कि अब वो किसी वेलोसिटी पे आएगा, चार्ज जो है वो किसी वेलोसिटी पे आएगा, एंड दिस वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी, मतलब कि अब तुम्हारा चार्ज मूव कर रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। अब इसको वी नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि वी तुम्हारा चेंज हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, राइट हैंड साइड पे एक एक्सेलरेशन लग रही है ना ई की वजह से, तो तुम्हारा वी चेंज होता रहेगा, इसलिए मैंने लिखा है दिस चार्ज हैज कम विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। नाउ वंस अगेन, कौन सी फोर्स लगेगी इसके ऊपर? एक तो ये चार्ज राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट की तरफ है, सो मैग्नेटिक फोर्स will be equal to q multiplied by v cross b, angle between v and b is zero, that means this force is equal to zero. magnetic force तो इस पे कोई लगेगी नहीं, और electric field की वजह से इस पे एक electric force लगेगी, that is q times a, या फिर तुम ये बोल सकते हो राइट हैंड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगी इसकी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू ए बाय एम, मतलब कि ये चार्ज एक्सेलरेट करता हुआ, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेट करता हुआ सीधा सीधा सामने निकल जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट डूइंग एनीथिंग। यप, तो यहां पे भी जो तुम्हारा पाथ आएगा, दैट पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और यहां पे अगर मैं तुम्हें टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी पूछ लूं, देन यू विल यू कैन कैलकुलेट दैट बाय दिस, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी टाइम के बाद वेलोसिटी इज वी, इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ एंटर किया वो वी नॉट, प्लस एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाय एम इंटू टी। सो इफ आई आस्क यू टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन velocity and time, तो ये graph किस तरीके से बनेगा, like this, बिल्कुल same है, इसकी slope उतनी है q e by m, slope is same q e by m, but the only thing is now it has this thing, and how much is this v naught, mathematics में पढ़ा होगा ना y is equal to kx plus C, वैसा ही कुछ है ना ये, V is equal to V naught plus QE by MT, where QE by M is your K, this is slope of the line, and this is the y-intercept, y-intercept is C, V naught. दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा है ना, मतलब कि ये पार्टिकल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा, क्योंकि दोनों केसेस में क्या हो रहा था, पार्टिकल वाज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम तीसरा केस देखेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इन द राइट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन द राइट डायरेक्शन, इस सब में अभी तक कोई हमने चेंज नहीं किया है। इस बार केस नंबर थ्री में योर चार्ज
will be coming from bottom to top at an angle of 90 degrees. अब ये वाला केस तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा तुमको. अब चार्ज तुम्हारा सीधा सीधा ऊपर आ रहा है लाइक दिस. अब तुम सोचो यार, इस पे कौन सी फोर्स लगेगी. सबसे पहले तो ये वाली फोर्स लगेगी, लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ई. कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, ये राइट डायरेक्शन में. आई लिख दूं इसके सामने, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आई जे के हटा भी सकते हैं हम इसको. बस दिमाग में तुम्हारे पता होना चाहिए कि राइट की तरफ लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स. तो एक्सेलरेशन इन द राइट डायरेक्शन, ए एक्स लिख रहा हूं मैं इसको, वुड बी इक्वल टू क्यू ई बाय एम. इलेक्ट्रिक फील्ड का तो काम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये राइट की तरफ ऐसे मूव करेगा. एंड टू रिमाइंड यू वंस अगेन, इनिशियल वेलोसिटी इन द राइट डायरेक्शन इज जीरो. इनिशियल वेलोसिटी इन द राइट डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि हमने कैसे फेंका इसको ऊपर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो काम हो गया कि मतलब ये राइट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेटेड मोशन से आगे आगे बढ़ता जाएगा. तो अगर हमें राइट डायरेक्शन की स्पीड जाननी है, आफ्टर सम टाइम यू कैन से दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई एम बाय एम इनटू टी. दिस इज द वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आफ्टर एनी टाइम टी. अब हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की. ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो क्या इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगेगी? तो उसका आंसर है हाँ जी, बिल्कुल लगेगी फोर्स. एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी. वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1. सो दिस विल बी क्यू इंटू वी इंटू बी. इतनी फोर्स लगेगी इस पे, और ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी उसके लिए हम यूज करेंगे अपना लेफ्ट हैंड, और हम अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करेंगे बी की डायरेक्शन में, और हम अपनी मिडल फिंगर को पॉइंट करेंगे वी की डायरेक्शन में. सो माय थंब इज बेसिकली गोइंग इनटू द पेपर. तुम अपना करके देख लेना इसको. योर फोर फिंगर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. So your thumb would be pointing into the paper. मतलब के ये जो force इस पे लगेगी, magnetic force इस पे लगेगी, that magnetic force is acting into the paper. तो इस magnetic field की वजह से this charge is actually doing a circular motion like this. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज सर्कुलर मोशन करता रहेगा, इस तरह से गोल 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 घूमता रहेगा. इस सर्कुलर मोशन का हम रेडियस भी निकाल सकते हैं. हमको पता है एमवी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी. यहां से तुम रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस विल बी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन क्यू बी. सर्कुलर मोशन का हमने रेडियस भी निकाल दिया, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये गोल गोल घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोल गोल घूम रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये आगे भी जा रहा है राइट हैंड साइड पे. तो मतलब ये गोल गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा. एंड दिस पाथ that we have is called a helical path. Okay. This charge would be following a helical path क्योंकि इस magnetic field की वजह से ये घूम रहा है और electric field की वजह से ये सामने जा रहा है. So path is helical path. ओके, ठीक है ना, सब सही. लेकिन ना ये जो तुम्हारा हेलिकल पाथ है ना,
इसमें भी थोड़ा सा एक कैच है, ये बड़ा सिंपल सा हेलिकल पाथ नहीं है। जो अपना पिछली क्लासेस में हेलिकल पाथ बनता था दैट वाज अ वेरी सिंपल हेलिकल पाथ, लेकिन इसमें तुम एक चीज नोटिस करो, ये जो सर्कल है सर्कल का रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो इस रेडियस के साथ सर्कुलर मोशन करता रहेगा। लेकिन डिड यू नोटिस कि राइट हैंड साइड पे इसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, बिकॉज राइट हैंड साइड पे यू हैव दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इसका पाथ तो हेलिकल होगा, लेकिन ये हेलिकल पाथ इस तरीके से होगा, पहले स्पीड इसकी कम होगी, फिर स्पीड इसकी थोड़ी बढ़ जाएगी। इट्स गोइंग टू बी अ हेलिकल पाथ विद वेरिंग पिच, वेरिंग भी मत लिखो, इंक्रीजिंग लिखो। इट्स गोइंग टू बी अ हेलिकल पाथ, लेकिन पिच इसकी इंक्रीज करती जाएगी। पिच का मतलब याद है, पिच का मतलब क्या था कि एक सर्कल घूमने पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो शुरू शुरू में एक सर्कल घूमने पे इसने डिस्टेंस कवर किया थोड़ा सा, फिर बाद में जाके एक सर्कल घूमने पे डिस्टेंस कवर किया काफी ज्यादा, फिर आगे जाके एक सर्कल घूमने पे डिस्टेंस कवर किया बहुत ज्यादा। ये बढ़ता क्यों जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पिच। और ये पिच बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि एक सर्कल घूमने पे तो सेम टाइम ही लग रहा है। एक सर्कल घूमने का टाइम पीरियड कितना है वो हम अभी निकाल लेंगे, तो सेम ही लग रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सर्कुलर मोशन आ रहा है वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी स्पीड राइट हैंड साइड में बढ़ती जा रही है, मतलब सेम टाइम में अब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कि पिच इसकी बढ़ती जा रही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं इसकी, ठीक है। ऊपर जा रहा था ये v वेलोसिटी से, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस कैलकुलेट करते हैं हम। रेडियस इज इक्वल टू, वैसे तुमको फॉर्मूला याद भी होगा अब तो, रेडियस इज इक्वल टू mv बाय qb, ये है इसका रेडियस ऑफ मूविंग। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो तुम बोलोगे टाइम पीरियड इसका आ जाएगा 2πr, मतलब कि एक पूरा रेडियस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, which is equal to 2πmv/qb। तो उसमें से v v कट जाएगा, तो तुम इसमें से लिख सकते हो दिस इज 2πm/qb। ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड, मतलब कि एक सर्कल घूमने में जो टाइम लगता है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन 2π मास चार्ज मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चीज इसमें से वेरी नहीं कर रही, मतलब कि एक सर्कल चाहे वो यहां पे घूमे चाहे यहां पे घूमे चाहे यहां पे घूमे, टाइम उतना ही लग रहा है एक सर्कल घूमने में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड उसकी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज qe/m, एंड वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम टी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज qe/m मल्टीप्लाइड बाय टी। दैट मीन्स दिस चार्ज विल फॉलो अ हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। दिस चार्ज विल फॉलो अ हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। नोट कर लो, ठीक है, 1-2 मिनट लो इसको। वैसे तो मैं वीडियो तुमको भेजूंगा, तुम बाद में भी नोट्स बना सकते हो, लेकिन एक बार देख लो अच्छे से, अपने दिमाग में घुस जाने दो इसको। हाँ, ओके, सो दिस वाज केस नंबर 3, वेयर द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। एंड नाउ कम्स केस नंबर 4, लास्ट केस
इस केस का लास्ट सब केस कि अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और तुम्हारा वेलोसिटी इज कमिंग एट अ सर्टेन एंगल लाइक दिस, तो क्या होगा? अब तुम इसको बड़े आसानी से कर लोगे, आई थिंक आइडली मुझे तुमको बोलना चाहिए इसको करने को लिए। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, और एक तुम्हारे पास था पॉजिटिव चार्ज जिसको तुमने फायर किया इस डायरेक्शन में विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। तुम्हें इस बेसिकली वेलोसिटी के दो पार्ट्स बनाने हैं। तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिस वुड बी वी नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में द वेलोसिटी दैट यू हैव इज v not sin theta। Horizontal direction में जो तुम्हारी velocity है v not sin theta, इसकी वजह से magnetic field का कोई effect नहीं आएगा। Magnetic field पे जो effect आएगा that will be only because of the vertical component, okay? और electric field पे जो फर्क आएगा that will be because of this initial हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेते हैं किसमें लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी इक्वल टू क्यू इनटू ई। एक्सेलरेशन इन द राइट डायरेक्शन वुड बी इक्वल टू क्यू इनटू ई डिवाइडेड बाय एम। इनिशियल एक्सेलरेशन इन द राइट डायरेक्शन विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। Velocity after any time in the right direction would be equal to V naught cos of theta plus QE by M into T। मतलब कि right hand side वाली direction में velocity is constantly increasing। Okay, right direction का analysis तो हो गया। Vertical direction में क्या होगा? You have a certain velocity V naught sin theta, और यह है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी हमने देखा दैट दिस विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ वुड बी इक्वल टू एम इनटू वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन अपॉन क्यू टाइम्स बी। दिस वुड बी इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। यहां से तुम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड तुम्हारा सेम ही आएगा। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई आर बाय वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई एम बाय क्यू बी। मतलब कि एक सर्कल को कंप्लीट करने में तुम्हारा टाइम पीरियड लगेगा 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो ये इस तरह से सर्कुलर पाथ भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो इसका पाथ भी बेसिकली सेम ही होगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। इंक्रीजिंग पिच क्यों है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है इंक्रीजिंग स्पीड से। ओके, बेसिकली जो तुम्हारा सब पार्ट थ्री था ना, केस नंबर जो तुम्हारा थ्री था, दिस केस नंबर थ्री वॉज अ पार्ट ऑफ केस नंबर फोर। ये ज्यादा जेनरिक है कि तुमने थीटा एंगल से अगर ई के साथ थीटा एंगल से अगर तुमने फायर कर दिया पार्टिकल को, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये पूरा जेनरिक हमने डिस्कस कर लिया। इसी का एक सब पार्ट निकलता है व्हेन दिस थीटा विल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर। लेकिन तुमको बेसिकली लॉजिक समझ में आना चाहिए। एक बार तुमको लॉजिक समझ में आ गया उसके बाद तुम डराइव करोगे, क्योंकि जब तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन में तो इतना आसान नहीं पूछा जाएगा कि बी भी तुम्हारा इधर ही होगा, ई भी तुम्हारा इधर ही होगा, वेलोसिटी भी सीधा सीधा दे देंगे। ये तो सिर्फ समझने के लिए था। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो बी को घुमा देंगे इस तरह से, बी को घुमा दिया या फिर ई को घुमा दिया, तब तुम्हारे फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। तब काम आएगा तुम्हारा दिमाग कि कितनी जल्दी तुम उसको ड्राइव कर सकते हो कि क्या होगा यहाँ पे। तब हो सकता है तुम्हारा हेलिकल पाथ इस तरह से बने, हो सकता है तुम्हारा हेलिकल पाथ इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से बन जाए। तो मतलब कि कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है ना।
Okay. So, देखें और क्या करना था हमें आज की क्लास में. ओके तो हमारी ये चीज हो गई. हमने केस नंबर वन पूरा डिस्कस कर लिया. केस नंबर वन में हमने देख लिया कि जब रेस्ट पे होगा चार्ज तो क्या होगा, जब चार्ज पैरेलल मूव करेगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर मूव करेगा तो क्या होगा, और बिल्कुल ही अगर थीटा डिग्री पे ही आ रहा है एंगल चार्ज तो क्या होगा. अब हम करेंगे अगला वाला केस जिसमें, और इसमें से तुम्हें पूछे जाएंगे क्वेश्चंस तुम्हारे कंपटीशन में मोस्टली. इसमें से भी पूछे जा सकते हैं लेकिन कंपटीशन में जो मैंने नोटिस किया आज तक इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं. वेर योर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो द मोशन ऑफ द चार्ज, द मोशन ऑफ द चार्ज इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर टू, वेर योर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर भी जो तुम्हारा चार्ज आएगा, द चार्ज की वेलोसिटी इज इन सच अ वे दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो चार्ज की वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कि तीन चीजें परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, मतलब कि तीनों अलग अलग एक्सिस पे होंगी, एक्स वाई जेड एक्सिस. तो तीनों हम अलग अलग एक्सिस पे बनाएंगे. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना जो चार्ज पार्टिकल है ना उसको लेके आएंगे इस तरीके से, उसकी वेलोसिटी इस तरीके से रखेंगे ताकि हमारी इमेजिनेशन ठीक ठाक बैठ जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, हम नीचे की तरफ रख लेते हैं ई. दो एक्सिस होगी अपनी, वेलोसिटी आएगा सीधा एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो तुम्हारा नीचे माइनस वाई एक्सिस में, कहीं भी ले सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव वाई ले सकते हो, माइनस वाई ले सकते हो, मैं रैंडमली ले रहा हूं माइनस वाई. और मैग्नेटिक फील्ड को तुम मान लो इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड को तुम मानो इनटू द पेपर. और ये मैंने ये वाली एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि इनटू द पेपर का मेरे को ऑलरेडी हिसाब है, हमने पहले भी देखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है और कोई चार्ज राइट हैंड साइड से इधर से आ जाए तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होता है ना. तो इसमें चार्ज तुम्हारा ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा हमारा बाद में जाके, ठीक है जी. तो इसका एनालिसिस करते हैं हम. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, एक हमारा आएगा चार्ज्ड पार्टिकल, ये है चार्ज्ड पार्टिकल, ओप्स, ये है हमारा चार्ज्ड पार्टिकल क्यू. चार्ज्ड पार्टिकल क्यू राइट हैंड साइड से आएगा और हमें चेक करना है कि इस पे कौन सी फोर्स लगेगी. सबसे पहले तो इस पे लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ई टाइम्स चार्ज क्यू ई. इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी इक्वल टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब कि नीचे, बिल्कुल नीचे ऐसे, ठीक है जी. नाउ ये तो हो गया डिस्कस. अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगेगा Q into V cross B. Angle between velocity and magnetic field is 90 degree. Magnetic field is into the paper, velocity is rightwards, angle is 90 degree. So magnetic force jo lagegi that will be equal to QVB. Aur iski direction kya hogi? Fleming's left hand rule. Apni forefinger ko rakho tum into the paper. Forefinger ko rakho tum into the paper. और वेलोसिटी वाली जगह पे तुम रखो अपनी मिडल फिंगर, योर थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, दैट मींस दिस फोर्स विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये हमने पहले भी देखा है,
मैग्नेटिक फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे वाली डायरेक्शन में लगेगी। ओ भाई साहब, मतलब कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास एक डब्बा है, अगर तुम्हारे पास एक डब्बा है और उस पे एक बंदा फोर्स लगा रहा है राइट हैंड साइड पे विच इज F1, और दूसरा बंदा फोर्स लगा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे विच इज F2, तो ये डब्बा किस तरफ जाएगा विल बी डिसाइडेड बाय विच ऑफ द टू फोर्सेस इज ग्रेटर। इफ F1 इज ग्रेटर देन द डब्बा विल गो टू द राइट, इफ F2 इज ग्रेटर देन द डब्बा विल गो टू द लेफ्ट, एंड इफ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, F1 इज इक्वल टू F2, देन दिस थिंग विल नॉट मूव, वेलोसिटी ऑफ दिस थिंग विल रिमेन इक्वल टू जीरो, आई एम सॉरी, एक्सेलरेशन विल रिमेन इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब तुम्हारी, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करनी स्टार्ट कर दी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इसके आगे तुम्हारे तीन सब पार्ट्स बनेंगे। योर केस नंबर वन इज इफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स इफ क्यू ई इज ग्रेटर देन क्यू वी बी, और इन अदर वर्ड्स क्यू क्यू तुम्हारा कट जाएगा इफ ई इज ग्रेटर देन वी बी, और यू कैन से इफ वेलोसिटी इज लेस देन ई बाय बी। इफ वेलोसिटी इज लेस देन ई बाय बी, मतलब कि बहुत ही हल्की स्पीड के साथ तुमने कोई पार्टिकल अंदर फेंका है, क्योंकि हमने कम वेलोसिटी के साथ फेंका है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ज्यादा जोर से नीचे खींचेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जीत जाएगी। अगर ज्यादा उसको स्पीड के साथ फेंकेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ऑन मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो मैग्नेटिक फोर्स जीत जाएगी। तो अगर हमने उसको हल्की सी फोर्स के साथ उसको फेंका है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी जीत जाएगी, एंड दिस चार्ज विल गो डाउन लाइक दिस, इट विल गो लाइक अ पैराबोला विच इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तुम इसको बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड एज अ डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, एंड सेकेंड केस, इफ मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, और इन अदर वर्ड्स इफ योर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ई बाय बी, अगर वेलोसिटी ई बाय बी से ज्यादा बड़ी हो गई तो योर मैग्नेटिक फोर्स विल हैव मोर इफेक्ट। तो इसको जाना तो सीधा था, लेकिन सीधा जाते जाते द स्काई विल टर्न अपवर्ड्स, इन अदर वर्ड्स दिस इज गोइंग टू बी एन अपवर्ड पैराबोला। और एक तीसरा केस, अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो गई, इफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, और इन अदर वर्ड्स इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाय बी, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाय बी देन दिस चार्ज विल गो अनडेविएटेड, ये सीधा सीधा निकल जाएगा सामने, क्योंकि अब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एंड द पाथ ऑफ दिस चार्ज वुड बी स्ट्रेट लाइन। तो क्या तुम्हें यहां से फीलिंग आ रही है दैट दिस केस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स? वेलोसिटी सिलेक्टर,
वेलोसिटी सिलेक्टर को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यहां से तुम अलग अलग वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स फेंक दो, ठीक है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे फेंक दिए यहां से। सामने इसके तुम ना एक एक पाइप तरह का कुछ लगा दो, एक स्लिट लगा दो, इसको खुला छोड़ दो, बिल्कुल उसके सामने जहां से तुमने फायर किए, बिल्कुल उसके सामने स्लिट लगा दो तुम। जिस पार्टिकल्स की वेलोसिटी e बाय बी से कम होगी वो तो नीचे डेविएट हो जाएंगे इस तरीके से डाउनवर्ड पैराबोला, जिस पार्टिकल्स की वेलोसिटी e बाय बी से ज्यादा होगी वो ऊपर डेविएट हो जाएंगे इस तरह से, वो भी स्लिट में से नहीं निकलेंगे। ओनली द पार्टिकल्स विच हैव दिस वेलोसिटी e बाय बी वो लोग डेविएट नहीं होंगे और वो सीधा सीधा स्लिट में से एंटर कर जाएंगे। तो अब ये जो पार्टिकल्स जब यहां से निकलेंगे तब हमें पक्का पूरा पता होगा कि इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी है, e बाय बी, ठीक है। इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ई बाय बी, मतलब अगर तुम्हें किसी एक्सपेरिमेंट में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले अगर तुम्हें चार्ज पार्टिकल्स चाहिए तो तुम इस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे सेट कर सकते हो। वेलोसिटी बढ़ाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, एक बार वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होगी चार्ज पार्टिकल की उसके बाद तुम रोक नहीं सकते। फिर रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ कि पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ाओ फिर कम करो, बढ़ाओ कम करो, यू नो दैट्स अ मेस। उससे अच्छा क्या है कि यहां पे पहले तुम वेलोसिटी बढ़ा दो पूरी, तो अलग अलग वेलोसिटीज वाले चार्ज पार्टिकल्स आएंगे। इस तरीके से अरेंजमेंट करो कि तुम ई बाय बी वेलोसिटी तुम्हें चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो इस डायरेक्शन में, यहां पे लगा दो स्लिट, अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स को फेंक के देखो, कुछ आगे निकल जाएंगे, कुछ नीचे निकल जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स होंगे जो बिल्कुल सामने अनडेविएटेड निकल जाएंगे। वो जो अनडेविएटेड पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ई बाय बी, एंड दैट इज व्हाई दिस एंटायर मैकेनिज्म, दिस सिस्टम इज आल्सो यूज्ड टू गेट चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, ऑफ अ सर्टन वेलोसिटी। आज की क्लास में हमने कुछ केसेस डिस्कस किए। सबसे पहले हमने शुरुआत की कि आज हम लॉरेंट्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लॉरेंट्स फोर्स इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ देयर आर वेरियस केसेस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, और दूसरा केस था व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसके अंदर भी हमारे पास अलग अलग सब पार्ट्स थे कि जब चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा, जब चार्ज पैरेलली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे तो क्या होगा, जब चार्ज परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो क्या होगा, जब चार्ज किसी एंगल थीटा पे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से तो क्या होगा। फिर सेकेंड केस में हमने डिसाइड किया, हमने देखा कि चार्ज को अगर हमने इन दोनों के ही परपेंडिकुलर जेड एक्सिस में मूव करवा दिया तो क्या होगा। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिवाइस हमारे पास निकल के आया जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। यस, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। आई विल बी सेंडिंग यू दिस वीडियो, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस एंड रट्टा मारने से ज्यादा ना कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा तुम्हारा काम आएगा, क्योंकि जब तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तुम सारे फॉर्मूले याद करके चले जाओ, ये सब जो भी हमने किया ठीक है, ये सब कुछ अगर तुम रट के चले जाओगे क्वेश्चन में एग्जाम में वो कुछ नहीं करेंगे। एंड में पता वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे ठीक है यहां से ना क्यू नहीं आ रहा, माइनस क्यू आ रहा है, अब बताओ तुम क्या करोगे, तुम्हारा सब कुछ कलैप्स कर जाएगा जो भी हमने याद करके गए हैं। बेसिकली याद नहीं करना, जस्ट समझना है उसको कि किस किस तरह से चार्ज मूव कर रहा है अगर अलग अलग एंगल्स पे हम उसको फायर करें। राइट बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज एक बार थम्स अप दे दो अगर ठीक ठाक समझ में आ गया। ओके, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। आई विल बी सेंडिंग यू दिस वीडियो, और हम कल मिलते हैं शाम को 7:30 बजे।
एंड टिल देन प्लीज मेक नोट्स ऑफ दिस क्लास. और कल की क्लास में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो इसी से रिलेटेड है, काइंड ऑफ यू कैन से द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस. सो मेक श्योर यू रिवाइज दिस एंड आई एम गोना सी यू टुमारो एट 7:30. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.